चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एंड प्रूफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखोगे प्रूफ पूछता नहीं है, बस हम समझा देंगे, लिखने का होगा आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है? तो हम समझा रहे हैं स्टेटमेंट भी और प्रूफ। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आप ऑलरेडी ये फैमिलियर होंगे, इच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कहीं पे भी यदि एक्शन दैट इज कोई एक फोर्स यदि लग रहा है, तो जितना एक्शन होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट पे फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम लोग रिएक्शन बोलेंगे। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड पे मान लो कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपने फिस्ट से इस पे धक्का दे रहे हैं। तो मान लो कि हम इस तरह से धक्का दिए, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दैट इज 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड बाय मी ऑन व्हाइट बोर्ड। तो हम लगाए व्हाइट बोर्ड पे, ये एक्शन हुआ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जितना एक्शन है उतना रिएक्शन भी होगा, मतलब सेम अमाउंट पे फोर्स जिस पर एक्शन लग रहा है वो रिएक्शन उतना ही अमाउंट का रिएक्शन लगाएगा, सेम अमाउंट अमाउंट का फोर्स लगाएगा, अमाउंट सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं मान लो इस डायरेक्शन, तो हम पर जो रिएक्शन अप्लाई हो रहा है किधर, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? यही है, इच एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? यही स्टेटमेंट समझ गया यस सर, है? ध्यान देना, इस स्टेटमेंट में यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके बुक में एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ठीक है? कि द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। आपको जज करना है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसीलिए इसमें और एक पॉइंट याद रखने को है, हम लिखते हैं ये। स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है? सही है सर। सही है ना? तो देखो ध्यान देना, यहां तक सिर्फ यदि देखे ना तो सही है, बस ये जो ब्रैकेट हम दिए हुए हैं ये यदि नहीं देता तो सही है, लेकिन ये टर्म देने के कारण ये स्टेटमेंट गलत है। समझो, एक्शन एक्चुअल में न्यूटन के द्वारा जो लॉ दिया गया, जो स्टेटमेंट बोले वही है, लेकिन ये एक पॉइंट है टू बी नोटिस दैट एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन और रिएक्शन कभी सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता है। एक्शन यदि एक्ट किया कहाँ पे, व्हाइट बोर्ड पे, तो रिएक्शन एक्ट कर रहा है कहाँ पे, मेरे हाथ पे। एक्शन और रिएक्शन कभी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है क्या? कभी नहीं। ये समझे? यस सर। यहाँ पे देखो ये सही है, सिर्फ ये यदि स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता तो सही होता। एक्स द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज जीरो। हम यदि 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, ये एक्शन है, रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे -10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन प्लस -10 न्यूटन, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों का सम कितना आएगा, जीरो। ये सही है, लेकिन यहां जब बोल दिया एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जो है एक्टिंग ऑन ए सेम ऑब्जेक्ट, कभी भी एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता है, क्लियर?
क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो समझ गए ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, है ना? आगे देखते हैं, देखोगे कुछ एग्जांपल्स पे बाद में आते हैं, पहले इसका प्रूफ समझ लेते हैं। और इसका जो प्रूफ है एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कोई थ्योरेटिकल कोई एक्सप्रेशन वगैरह देके प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो देखो हम समझा रहे हैं क्या है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी लिखती है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, बुक्स, बुक सामने जरूर रखोगे, बुक रखे हो ना सामने सबको? यस सर। यस सर। यस सर रखे। तो यही टॉपिक निकाल के रखना। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर देखने को मिलेगा, वही फिगर हम बना रहे हैं। दो स्प्रिंग बैलेंस लिया जाता है, एक स्प्रिंग बैलेंस इस तरह से सीधा है और एक उल्टा है। इस तरह से मान लो कि इस पर मान लो कि हम फोर्स लगा रहे हैं, होल्ड करके क्या किया इस पे फोर्स लगाए, ऐसा है। इस पे शाफ्ट है, मान लो कि शाफ्ट है जो मूव करेगा, रीडिंग दिखाएगा। देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है पता है, बता सकते हो स्प्रिंग बैलेंस? देखो क्या है, हाँ बोल रहे हो कुछ? नो सर, इसमें भी वही थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही यूज होता है कि हम लोग जितना ऑब्जेक्ट हेवी रहेगा वो डाउनवर्ड अपना फोर्स लगाएगा था, और वो जो स्प्रिंग है बैलेंस है वो अपना अपवर्ड फोर्स लगाता है उसको पुल करने के लिए, तो उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है स्प्रिंग बैलेंस। हाँ सही सही है। देखो देखते होंगे स्प्रिंग बैलेंस खास तौर पर वेट मेजर करने के लिए यूज होता है। खास तौर पर देखने को मिलेगा कि गैस सिलेंडर जो लोकल एक आध दो किलो भराने के लिए ले जाते हैं हम लोग, गैस सिलेंडर सपोज खत्म हो गया, गैस नहीं मिल रहा है जो मान लो कि जो डीलर है वहां पे, तो लोकल में हाफ के जी वन के जी भरता है, तो वहां पे देखोगे इस तरह का स्प्रिंग बैलेंस रखता है, मतलब सिलेंडर इस तरह से यहाँ पे लटका देते हैं, पता चला 5 kg का खाली सिलेंडर है, 1 kg और एलपीजी गैस डाल दिया, 6 kg हो गया दे दिए। एक्चुअल में होता है क्या है, जब इसको सस्पेंड किया जाता है, मान लीजिए 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है मतलब 5 kgf का फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, इसका वेट, वेट का मतलब क्या फोर्स, आप पढ़ चुके हो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, F इक्वल टू एम ए। तो अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींच रही है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। W इसी फॉर्मूला से आया हुआ है, एम ए, और ए की जगह पे हम लोग लिखते हैं जी, जहां पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है
तो आपको 5 × 10 सेंटीमीटर बोलते हैं। z का एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्स वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कितना 10, मतलब 5 केजी का ऑब्जेक्ट है तो नीचे की ओर इसका वेट एक्ट कर रहा है किधर, कितना 50 न्यूटन का, और 5 केजी का है तो हम लोग वेट ऐसे भी बोलते हैं 5 kgf, 5 केजी का फोर्स लग रहा है 5 kgf नीचे की, 5 केजी का फोर्स है। तो देखो ये जो है इससे लटकाते हैं तो इससे कनेक्टेड होता है, ये लटका है मतलब इसको क्या कर रहा है, ये खींच रहा है इसको नीचे की ओर, जिस कारण से रीडिंग खींच के यहाँ तक ले आया। हो सकता है कि यहाँ का रीडिंग कितना है 5 kgf रीडिंग है या फिर 5 kgf। हालांकि मास और वेट में डिफरेंस है जो आगे आप पढ़ने वाले। हेलो सर, सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है, सर वीडियो ब्लर आ रहा है यार, नेटवर्क तो ठीक ठाक है, बाकी का भी आ रहा है, बाकी दूसरे स्टूडेंट बोलोगे वीडियो ब्लर आ रहा है क्या सर? थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा देखो कुछ देर में हो जाएगा, उस नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है, तो दिक्कत हो रही था, देखते हैं। सर आपका बैंडविड्थ लो है सर। हाँ आपका बैंडविड्थ लो है सर। सर आपका बीच बीच में आवाज क्रैक हो रहा है और ब्लर भी हो रहा है सर। फिर से ऐड हुए क्या, लिंक करके फिर से ऐड हुआ जाए? यस सर वही करना। अभी भी दिक्कत है ना? यस सर। बैंडविड्थ क्या बोल रहे थे, किलो है सर? मतलब नेटवर्क कनेक्शन पुअर है आपका। अच्छा 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 ठीक है, कुछ देर तक हम डिस्कस कर रहे हैं, यदि बिल्कुल दिक्कत है तो डिस्कनेक्ट करेंगे फिर, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर वॉइस आ रहा है। ठीक देखो, तो स्प्रिंग बैलेंस से क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं। वेट एक फोर्स है, अर्थ जितना फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट को, मान लो कि 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg का ऑब्जेक्ट को यदि हम यहाँ पे लटकाए, 5 kgf का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो जितना फोर्स से ये नीचे की ओर खींच रहा है उतना ही ये जो रीडिंग है ये शो करता है 5 kgf। ज्यादा वेट का ऑब्जेक्ट यदि रखेंगे तो और ज्यादा रीडिंग शो करेगा, ठीक है? तो एक तरह से बोल सकते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस जो है वो फोर्स मेजर कर रहा है, वेट मेजर कर रहा है, मतलब वेट भी एक फोर्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे जब हम लोग आते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जब हम लोग प्रूफ करेंगे, तो हम लोग पा रहे हैं, देखो सपोज एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक सपोर्ट के थ्रू इस तरह से कनेक्ट कर दिए, एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस क्या किया है, उल्टा इनवर्टेड फॉर्म में इसको रखे, और एक स्प्रिंग बैलेंस के मान लो कि हम फोर्स लगा रहे हैं, सपोज यहाँ पे जो फोर्स लगा है यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है सपोज 10 kgf, रीडिंग शो कर रहा है 10 kgf, तो इस कारण से रीडिंग आ गया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे आ गया 10 पे रीडिंग शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप पाओगे कि 10 kgf शो कर रहा है, समझो हम फोर्स लगाए
सपोज ये फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस है, ये सेकंड स्प्रिंग बैलेंस है, हम फोर्स लगाए फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस पे कितना 10 केजीएफ का। इसका मतलब क्या है कि 10 केजीएफ का फोर्स इस स्प्रिंग बैलेंस पे लगा तो 10 केजीएफ का फोर्स इधर लग रहा है। चलो ठीक है, तो 10 केजीएफ का फोर्स जब लग रहा है फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस पे इधर की ओर मूव कर रहा है, तो फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस में क्या करेगा, चूंकि कनेक्ट है वो सेकंड से, फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा सेकंड पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, कितना 10 केजीएफ का ही फोर्स लगाएगा। जब हम फोर्स लगाए इस पर 10 केजीएफ, तो यहाँ पे बस रोका हुआ है किस कारण से, क्योंकि ये फर्स्ट, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जब हम लोग वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो इसके लिए क्या करते हैं, दो स्प्रिंग बैलेंस लिए हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस पर फोर्स लगाए। इसका मतलब क्या, पहला स्प्रिंग बैलेंस जो है जब इसको हम खींच रहे हैं तो पहला स्प्रिंग बैलेंस किसको पुल करेगा, सेकंड वाले को। इसका मतलब सेकंड स्प्रिंग बैलेंस पे कितने का फोर्स लग रहा है, जितना हम अप्लाई किए 10 केजीएफ, तो सेकंड स्प्रिंग बैलेंस में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 केजीएफ। ठीक है, 10 केजीएफ का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, तो देखोगे 10 केजीएफ रीडिंग जो शो किया गया फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस में, जो फोर्स अप्लाई किया गया एजेंट के थ्रू सपोज आपके द्वारा, पाया गया कि सेकंड स्प्रिंग बैलेंस में भी रीडिंग कितने का है 10 केजीएफ का है। मतलब यहां पे जितना फोर्स लग रहा है सेकंड भी क्या कर रहा है, अपनी ओर अपोजिट डायरेक्शन में लगाए हैं। इसका मतलब क्या, ये अपनी ओर ही वो खींच रहा है कितना फोर्स से, तो यहाँ का रीडिंग दिखा रहा है कितना 10 केजीएफ। मतलब यहाँ जितना हम फोर्स लगाया है 10 केजीएफ, यहाँ पे भी हम लोग पा रहे हैं कि उतना ही रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इधर यदि हम 10 केजीएफ का फोर्स लगाए हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड स्प्रिंग बैलेंस भी उतना ही अमाउंट का फोर्स लगाया है। मतलब अमाउंट सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझेंगे इसका प्रूफ? यस सर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन आप लिखना चाहो तो ये होमवर्क है, स्टेटमेंट जो है खुद से आप कंप्लीट कर लेना, इस फिगर दिया हुआ है बुक से हेल्प ले सकते हो, ये कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये स्टेटमेंट के लिए, बाकी ये आप खुद से लिखोगे या होमवर्क। हो गया, यस यस सर, मिटाते हैं इसको। चलो कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। देखो सपोज एक बैलून है, सपोज एक बैलून है, इन्फ्लेटेड फुलाया हुआ बैलून है, गैस भरा हुआ है, इस तरह से आप होल्ड करके रखे हुए थे, पकड़ के रखे थे, बांधे हुए नहीं हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग वगैरह से टाई नहीं किए हो। अब क्या करते हो, स्ट्रिंग बैलून को क्या करते हो, इस तरह से आप छोड़ देते हो, तो क्या होगा, अंदर जो गैस भरा हुआ है वो गैस रिलीज करेगा, नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर बाहर निकलेगा,
बैलून क्या वैसे ही रहता है कि किसी ओर मूव करता है? ऊपर की ओर मूव करता है, क्यों? एक्सप्लेन करो आप लोग सर। क्योंकि एयर जब नीचे जा रहा है तो उसका एयर का फोर्स नीचे है, तो उसको ऑपोजिट फोर्स ऊपर लग रहा है बलून पे, और बलून अपर डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है। बिल्कुल सही बात, मतलब बलून अपना शेप चेंज कर रहा है, अपना प्रीवियस शेप को गेन कर रहा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिस कारण से उसका प्रेस कर रहा है। किसको? गैस को प्रेस कर रहा है, मतलब प्रेशर पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज फोर्स किस पे लग रहा है? गैस पे। और किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। गैस निकल रहा है नीचे की ओर, मतलब गैस पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, तो ये एक्शन हुआ। तो जब गैस निकल रहा है जहां से, एक्शन लगा गैस पे, तो गैस भी तो रिएक्शन लगाएगा। किस पे लगाएगा? बैलून पे, मतलब रिएक्शन लगाएगा किधर? ऊपर की ओर। गैस जो है बैलून पे रिएक्शन लगा रहा है किधर? ऊपर की ओर। इसीलिए क्या होता है, बैलून क्या होता है, गैस निकल रहा है नीचे, लेकिन बैलून किधर भागता है? आप यदि हॉरिजॉन्टल रखोगे, गैस निकल रहा है इस डायरेक्शन में, बैलून भागेगा किधर? अपोजिट डायरेक्शन, है ना? तो बिल्कुल यही है कि यहाँ पे क्या है, रिएक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, बैलून ऊपर की ओर मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान देना, सिमिलर कॉन्सेप्ट है रॉकेट का, आपके बुक में दिया हुआ है, सेकेंड लास्ट शायद एग्जाम्पल है, आप फिगर दिया हुआ है, निकाल के देख सकते हो। इस तरह का एक रॉकेट दिखाया गया है, कि नोजल जो है, नोजल यहाँ पे कुछ पार्ट होता है जहां से गैस इमिट करता है। देखते होंगे कि जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो बहुत 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 ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, गैस वहां से रिलीज किया जाता है। फ्यूल मान लो कि कंबसन होता है, वहां से जो गैस बना, उस गैस को क्या किया जाता है, काफी फोर्स के साथ नीचे की ओर फोर्स लगाया जाता है इंजन के द्वारा, और काफी ज्यादा फोर्स के साथ क्या होता है, वह इजेक्ट कराया जाता है गैस नीचे की ओर। तो जब गैस पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर एक्शन, तो गैस जब निकल रहा है तो वो क्या होगा, रिएक्शन लगाएगा रॉकेट पे, रिएक्शन लगाएगा किधर? ऊपर की ओर। जिस कारण से क्या है, रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर मूव करता है। और आप समझो कि चूंकि बहुत रॉकेट का स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, काफी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए, इवन रॉकेट का मास भी बहुत ज्यादा है, तो एक बड़ा अमाउंट का फोर्स चाहिए रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। तो बड़े अमाउंट का एक्शन लगना चाहिए, नीचे की ओर एक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस रिलीज होता है, मतलब गैस का मास बोल सकते हो ज्यादा है, और वह काफी ज्यादा वेलोसिटी के साथ वह रिलीज होता है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाता है इंजन के थ्रू नीचे की ओर गैस पे। तो जितना अमाउंट का फोर्स नीचे की ओर लगा, उतना ही अमाउंट दैट इज रिएक्शन लगाता है गैस रॉकेट, इस कारण से ये क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है, है ना? तो बिल्कुल इसी ढंग का एक्सप्लेनेशन तो सेम है, ठीक है? ये भी क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है, ठीक है? एग्जांपल समझे इसका? यस सर। देखोगे और एग्जांपल यदि हम लोग लें, रिक्वायर ऑफ ए गन, सपोज एक गन है, एक गन है, इसमें बुलेट है, बहुत सारा बुलेट है, तो जिसे ट्रिगर दबाया जाता है, बुलेट पर फोर्स लगता है आगे की ओर एक्शन, और जिस कारण से बुलेट क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो गन मान लो कि अंदर जो भी मशीन पार्ट्स है उसके थ्रू बुलेट पर फोर्स लगता है, और बुलेट किधर मूव करता है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तब जब गन के द्वारा एक्शन एक्ट किया जाता है बुलेट पे, तो बुलेट भी क्या करता है, रिएक्शन लगाता है कहां पे, गन पे। और किधर, किस डायरेक्शन में लगाएगा,
पीछे की ओर, अपोजिट, हाँ अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लो ये तो काफी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करता है, हालांकि इसका मास कम है, लेकिन बहुत ज्यादा वेलोसिटी होने के लिए फोर्स भी बड़ा अमाउंट का होना चाहिए। तो उस कारण से क्या है कि यहाँ पे जितना भी फोर्स लगाया जाता है आगे की ओर एक्शन हुआ, तो बुलेट भी गर्द पे उतना ही फोर्स लगाता है पीछे की ओर। इस कारण से जैसे ही बुलेट आगे की ओर बढ़ता है तो गन जो है एक झटका देता है पीछे की ओर, और पीछे की ओर जो झटका देता है पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में जो मूव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ ए गन। और पीछे की ओर जो मूव करता है जितना वेलोसिटी के साथ पीछे की ओर मूव करता है इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए ये? यस सर, यस सर। ठीक है, और ध्यान देना आप लोग के सिलेबस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है तो उसका प्रूफ तो नहीं बताएंगे, लेकिन स्टेटमेंट हम सोच रहे हैं कि बता दें और उसका कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में है, हालांकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा यहाँ सीखने को मिलेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि बता देते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा देते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल पे आते हैं फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आएंगे। आगे यदि हम लोग देखें एग्जाम्पल, यदि हम लोग चलते भी हैं, ठीक है, चलो फिगर नहीं बना रहे, यदि हम चल रहे होते हैं, ठीक है, तो अपने फीट से देखोगे, ये यदि ये सोचो कि जमीन है या फ्लोर है, टाइल्ड फ्लोर है, पांव पे क्या करते हैं जैसे उठाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम किधर धक्का देते हैं, पीछे की ओर, पांव से धक्का देते हैं पीछे की ओर, मतलब अपने फीट के द्वारा या जो फीट है उसका जो सोल उसके थ्रू क्या करते हैं, अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर एक्शन। तो अर्थ भी क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा, मतलब फीट पे रिएक्शन लगाएगा किधर, आगे की ओर, जिस कारण से क्या है हम आगे की ओर मूव करते हैं, मतलब पांव आगे की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग चल भी पाते हैं या दौड़ते हैं, दौड़ पाते हैं तो किस कारण से दौड़ते हैं, जो रिएक्शन अप्लाई किया जाता है अर्थ के द्वारा उसी के कारण हम लोग रन कर पाते हैं या फिर वॉक करते हैं। ठीक है, ये और कुछ एग्जांपल्स पे यदि हम आए देखते होंगे कि सपोज कोई एक रिवर है या सी में ही कोई एक बोट है, बीच में दैट इज कोस्टल एरिया जहां पे बिल्कुल बैंक है, नदी का किनारा है, वहां पे जब बोट को ले जाया गया, आदमी जब उतरता है, आदमी जंप किया आगे की ओर, आदमी क्या करता है जंप करता है आगे की ओर, लेकिन बोट किधर मूव करेगा या करता है, बैकवर्ड मूव कर, चेक करके। हाँ चलो, इसमें ये बता सकते हो एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है, ये बोल सकते हो? सर एक्शन जो पर्सन अपने पैर से बोट पे लगाता है और रिएक्शन जो बोट उसके ऊपर लगाते हैं जिससे वो फॉरवर्ड मूव करता है। जब जंप करता है तो क्या करता है, अपने फीट से पीछे की ओर बोट को क्या करता है, पीछे की ओर धक्का देता है जंप करने के द्वारा, तो वो एक्शन हुआ, तो बोट भी आदमी पे फोर्स लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा किधर, आगे की ओर, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बोट के द्वारा जो रिएक्शन अप्लाई किया जाता है आदमी पे और उसी रिएक्शन के कारण क्या होता है, वो आगे की ओर जंप कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, और यहाँ रिएक्शन के ही कारण वो आगे की ओर बढ़ पाता है। ठीक है, आगे चलो कुछ और एग्जांपल पे आते हैं। देखते होंगे कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर जो व्हीकल जो गाड़ी आता है उसमें जो हॉज होता है पाइप जिसके थ्रू पानी निकलता है, पानी इजेक्ट करता है, काफी ज्यादा वेलोसिटी से पानी इजेक्ट किया जाता है और
वाटर का जो मास है यूनिट सेकंड में या यूनिट टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर इजेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है समझो, यदि ये हॉर्स है बहुत इतना मोटा, मान लो कि डायमीटर है, इतना ज्यादा डायमीटर है, एक साथ इतना वाटर यदि इजेक्ट किया जा रहा है, मतलब एक सेकंड में यदि बोला जाए तो लगभग 10 kg वाटर हमारे ख्याल से निकल जाता हो, और वेलोसिटी भी काफी ज्यादा, ठीक है, हो सकता है कि 30 m/s 40 m/s की स्पीड से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर का यदि एक अंदाजा यदि बोला जाए तो ऐसा हो सकता है 50-60 km/h का स्पीड रहेगा कम से कम हमको लगता है। तो इतना ज्यादा स्पीड से वाटर को इजेक्ट किया जाना है, इतना ज्यादा अमाउंट का वाटर इजेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे मास भी ज्यादा ही है, वाटर जो है वह स्टेशनरी था, रुका था, लेकिन उसका वेलोसिटी बढ़ाया जा रहा है, एक्सीलरेशन भी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बहुत बड़े अमाउंट का फोर्स लग रहा है वाटर को इजेक्ट करने के लिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है जिस कारण से वाटर इजेक्ट कर रहे हैं, तो वाटर जब आगे की ओर बढ़ रहा है तो वाटर भी क्या करेगा, जब पाइप को जब लीव करेगा तो एक्शन के कारण वो आगे की ओर इजेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा किधर, पीछे की ओर। इसीलिए जो फायरमैन होता है, जो आदमी होल्ड किए रहता है पाइप को, ठीक है, वाटर पाइप को जो होल्ड किया रहता है, उसको काफी मशक्कत करना पड़ता है, प्रॉब्लम होता है उसको होल्ड करने में, क्यों, क्योंकि एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक्शन के कारण वाटर रिजेक्ट करता है आगे की ओर, और एक रिएक्शन वाटर के थ्रू रिएक्शन लगाया जाता है पाइप पर इधर पीछे की ओर, जिस कारण से क्या है पाइप को पकड़ने में क्या होता है, दिक्कत होता है, मान लो कि कमजोर रहेगा फायरमैन वो जो आदमी है, हो सकता है पीछे की ओर धक्का थ्रो ऑफ हो जाए, गिर जाए वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, है ना, क्लियर है ये। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो सर। जैसे आप एक एग्जांपल दिए कि जब हम लोग वॉक करते या रन करते तो हम लोग पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो हम लोग रिएक्शन फोर्स होता है कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो सर जो स्नेल होता है वो तो अपना मतलब बैक पोर्शन को आगे की तरफ बढ़ाता है, तो फिर वो पीछे क्यों नहीं जाता, वो तो आगे ही मूव करता है। स्नेल ना? यस सर। मतलब वो बैक पोर्शन अपना आगे की तरफ करता है, पुश करता है, तो सर उसको तो फिर पीछे जाना चाहिए था अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन उस पर लग रहा है, पर वो तो आगे की तरफ बढ़ता है। स्नेल में किस तरह सा होता है, जैसे इस तरह का होता है, देखो ये जो है ना ऐसा है, इसका जो पोर्शन बढ़ा होता है ना, देखे थे होंगे स्नेल का इस तरह का पोर्शन निकला होता है, ठीक है, और मूव करता है मतलब आगे की ओर जैसे मूव किया है ना, तो मूव कर रहा है मतलब वो स्टिक करता है हमारे ख्याल से, ऐसा लगता है कि जो ये क्या करता है, ये जो पोर्शन है इसको आगे बढ़ाता है, और आगे बढ़ा के क्या करता है, इसको जमीन जो जिसमें चल रहा है फ्लोर पे क्या करता है, उसको स्टिक कर देता है, चिपका देता है, ये जो निकला हुआ पार्ट है सेल जैसा या कार्टिलेज बोलो या जिस भी तरह का होता है वो, ठीक है, काफी जो इलास्टिक पार्ट होता है इस तरह से फैला हुआ है, वही पार्ट हमारे ख्याल से वह आगे की ओर बढ़ाता है और जमीन के साथ चिपक जाता है, इस तरह का स्टिकी होता है जैसे सक करने जैसा, रबड़ सकर जैसा चिपक जाता है, और इस तरह से ये क्या करता है आगे की ओर बढ़ता है। वहां पे ऐसा है कि स्टिक किया और मुंह की आगे की ओर धक्का दे रहा है खुद को, इस तरह इस धक्का है, ठीक है, पुल कर रहा है, वहां पे एक्शन रिएक्शन जैसा ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है ना, ऐसा ही होता है ना यहाँ पे, yes. है ना, तो यहाँ पे ऐसा ही है, ठीक है, स्टिक करता है, लगता है कि जैसे पूरा एक डायफ्राम जो है निकल के क्या कर रहा है, ग्राउंड को होल्ड कर रहा है, चिपक रहा है, सख करते हुए उसको क्या कर रहा है, उसके साथ पूरा चिपक रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी बायो में भी समझ सकते हो कि लोको मोशन इसमें कैसा होता नहीं होता, उतना तो हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, पता नहीं चल रहा है स्नेल का मोशन क्या है। ओके सर, इसमें लोको मोशन देख लेना बायो में। थैंक यू सर। और कोई एग्जांपल याद आ रहा है आप लोग को तो बताओ।
सर कैचिंग अ बॉल. हाँ कैचिंग अ बॉल. कैचिंग अ बॉल शायद हो चुका था सर. हाँ कैचिंग अ बॉल देखोगे वहां पे जो बताए हुए थे टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा फोर्स कम लगे. ठीक है वहां पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हम बताए थे कि फोर्स इस तरह से कम अप्लाई होगा. ये यहाँ पे भी बोल सकते हो थर्ड लॉ है. कैसे बॉल को जब कैच लेते हैं तो बॉल हम पर फोर्स लगाता है एक्शन. ठीक है तो हमारा हाथ भी क्या कर रहा है उस पर फोर्स लगा रहा है रिएक्शन. इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि भाई बॉल जब हम लोग कैच लेते हैं अपनी ओर जब नहीं खींचते हैं या फिर पकड़ते नहीं है सही से तो वो जंप करके क्या होता है बाहर निकल जाता है. ऐसा होता है ना टेनिस बॉल वगैरह यदि हो तो इस तरह से देखने को मिलता है एक्शन और रिएक्शन के कारण क्या है वो बाहर निकल जाता है. तो यहाँ पे भी थर्ड लॉ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बता रहे हैं. ठीक है इसका स्टेटमेंट जान लीजिए और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर देते हैं. ठीक है और इस पार्ट में तो यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो क्या है स्टेटमेंट हम लिखा रहे हैं और उसका रिजल्ट. स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं वो पढ़ोगे फिर हम समझाते हैं. सर वीडियो ब्लर आ रहा है. सर वीडियो ब्लर आ रहा है. नो सर. नो सर हमको तो क्लियर दिख रहा है. तो साहिल तो वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा है ना. थोड़ा पोजीशन अपना चेंज करो. देखो इसका मीनिंग समझाते हैं. ध्यान देना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं. ठीक है देखो कि एक एग्जांपल दे रहे हैं. मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का और ये सपोज मान लेते 1 kg का ऑब्जेक्ट है ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है. ठीक है और ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है.
ठीक, क्या होता है जब इसका वेलोसिटी ज्यादा है, सेम स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है, जब पीछे जो ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो आगे जाके क्या होता है, इससे ये टकराता है। और टकराने के थ्रू क्या होता है, जब ये टकराया इससे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड पे फोर्स लगाया, मान लो कि एक्शन, सेकंड फर्स्ट पे भी फोर्स लगाएगा, रिएक्शन। तो यहां पे एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, चलो ये सही है, लेकिन जब दोनों पे फोर्स लग रहा है तो चांस है कि दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा। इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, चांस है कि दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा। और वेलोसिटी चेंज होगा जरूर, लेकिन कॉलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम और कॉलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, हम एक न्यूमेरिक वैल्यू भी लेते हैं इसका, देखोगे देखो ध्यान देना। अच्छा देखो, तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है ये बताओ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 20 केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वन मास इनटू वेलोसिटी, 1 × 20 दैट इज 20 केजी मीटर पर सेकंड। इसका बताओ कि कितना है, 20 kg meter per second, 2 × 10 that is 20, दोनों का हम मल्टीप्लाई किए। तो ध्यान देना, जनरली कॉलिजन से पहले वेलोसिटी जो है उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं u1 और इसको बोलते हैं u2 और ये है m1, ये है m2, ठीक है। तो मोमेंटम कितना है, इसका इनिशियल मोमेंटम है 20, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है 2 × 10 20, दैट इज 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है, दो ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे से टकराया, इंटरेक्ट किया मतलब क्या, एक दूसरे पर फोर्स लगा है, टकरा कर फोर्स यदि लगा रहा है तो कॉलिजन से पहले जितना टोटल मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम रहेगा कॉलिजन के बाद, मतलब वेलोसिटी भले चेंज कर जाए लेकिन टोटल मोमेंटम पहले के जितना ही होगा। अब यहां पे देखो मोमेंटम, देखो इसका मोमेंटम कितना है, बोलो फर्स्ट वाले का मोमेंटम, बोलो 10 kg meter per second, 10 kg meter per second, सेकंड वाले का 30 kg meter per second, मतलब यहाँ पे भी 40 होना ही है। यदि हम यहाँ ऐसा वैल्यू दे देते हैं ना, 2 × 10 20 + 10 30 kg meter per second, ऐसा संभव नहीं है। रूल ये कहता है, लॉ ये कहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन बोथ विल बी सेम, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए यदि हम लोग ये बोल दें कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी है v1 और इसका है v2, तो हम लोग बोल सकते हैं लॉ के अनुसार, ध्यान देना यहां से एक फॉर्मूला आ रहा है, m1u1 + m2u2, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू m1v1 + m2v2, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या, टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का, ये दोनों को मिला के हम एक सिस्टम बोल रहे हैं, सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, टकराने के बाद उतना ही रहेगा जितना पहले। अब स्टेटमेंट समझ लो, पढ़ लो खुद से, अब समझ में आ जाएगा सर।
ठीक है, ये समझ गए बोलोगे। सर एक क्वेश्चन पूछे सर, ये तो सर ये तो सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है, है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है, कहीं कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो एक छोटा सा थ्योरी है, सीख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, और आईसीएसई बोर्ड में मान लो कि बेसिक चीजें तो दे ही देता है, आपके बुक में हो या ना हो, हम देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन उठा लेता है, 7-8 क्लास में आप देखते होंगे, है ना? तो इस तरह का ये बेसिक ही है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है। तो लॉ बस याद रख लो ना कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम, दोनों क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम में ये थ्योरी कभी पूछेगा, ठीक है, लेकिन आप याद रखिए, समझिए इसको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेली लाइफ में या फिर कुछ कुछ जगह पे आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए समझ लो। हो सकता है कि एनटीएससी वगैरह के एग्जाम देते हो, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो वो तो सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता है, तो ये सब भी थोड़ा पढ़ लो, है ना? नहीं सर वो नहीं बोल रहे थे सर, बोल रहे थे कि क्वेश्चन ये है, जैसे कोई भी हम लोग कंजर्वेशन पढ़ते हैं, जैसे वो मास का ही हो, मैटर का ही हो, चाहे ये मोमेंटम का ही हो, तो सर प्रूफ तो ठीक है, पर इसका रीजन क्या है? अच्छा, रीजन ये तो लॉ है, बाकी इसका प्रूफ कर सकते हैं मतलब क्या, ये होगा, इसका प्रूफ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही अनुसार इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ कर दे क्या, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, 7-8 लाइन में प्रूफ होगा, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, करे क्या सर? एज यू विश, कर देते हैं, चलो ठीक है, क्यूरियोसिटी क्यों बना रहे हैं, ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल मिटा रहे हैं, एक सिचुएशन यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं और उसके अनुसार ये है, इसका प्रूफ देखो, मैथमेटिकल प्रूफ दे देते हैं। यहाँ पे क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, मास है m1, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका है m2, u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये बिफोर कॉलिजन का बात है। और ये m1 m2 ड्यूरिंग कॉलिजन, फर्स्ट लगाया सेकंड पे फोर्स, ठीक है, तो 1 लग लिख देते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, सेकंड, और ये क्या है, सेकंड जो है वो फर्स्ट पे लगा रहा है, F2 का मतलब क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, और कॉलिजन के बाद एक का वेलोसिटी v1 हो जाता है और दूसरे का वेलोसिटी मान लो कि v2 हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी कहता है कॉलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पे ये मेंशन करना होगा u1 इज ग्रेटर देन u2, ये कोलाइड तभी करेगा जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है, जब ज्यादा है तभी जाके आगे क्या होगा, टकराएगा, है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी कर देते हैं। यस सर, ले लिया। देख बिठा दे, यस सर,
एक तरह से ये एनर्जी कंजर्वेशन जैसा ही है। सोचो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है, सेकंड में भी मान लो वेलोसिटी है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जितना है उसी के अनुसार से बाद में भी काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ हद तक ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि टोटल मोमेंटम जो है दोनों का मिलाए कॉलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम कॉलिजन के बाद, दोनों क्या है सेम है। ठीक है, देखो एक प्रूफ इसका देखते हैं। ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा है टी सेकंड के लिए लगा रहा है, टी टी ड्यूरेशन, टी इज द टाइम और ड्यूरेशन थ्रू विच दे अप्लाइज फोर्सेस टू वन अनदर। ठीक है, तो ध्यान देना अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इक्वल टू F2, फर्स्ट दूसरे पर जितना फोर्स लगाया सेकंड भी उतना ही फोर्स लगाया। ठीक है, अमाउंट दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एक जितना जिस ओर है इसके अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए F1 इक्वल टू माइनस F2। ये कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार हमको पता है F इक्वल टू m e माइनस u बाय t, m e माइनस u बाय t। अच्छा देखो F1 का मतलब क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स जब लगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हुआ कितना u2 से, हो गया कितना v2, u2 से कितना हुआ v2। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो चेंजेस लाया उस अनुसार से फोर्स का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, F1 का मतलब क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट में चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं M2 सेम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। देखोगे फर्स्ट सेकंड पे जब लगा रहा है तो सेकंड का हम लोग मास लिए हैं, सेकंड का फाइनल वेलोसिटी लिए हैं, सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। ये वैल्यू अप्लाई करने में पुट करने में कोई दिक्कत है तो बताओगे? नो सर, क्लियर। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, F2 का मतलब क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट पहले पे फोर्स लगा रहा है तो पहले वाले में कुछ चेंजेस आएगा, कितना चेंजेस आया, U1 से वेलोसिटी हो गया V1, तो हम बोलेंगे M1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय ये माइनस T कटा। देखो तो M1 V2 सॉरी M2 V2 माइनस M2 U2 नेगेटिव में M1 V1 माइनस माइनस प्लस M1 U1 पॉजिटिव को एक तरफ रखें, ये नेगेटिव वाले को उधर ले जाते हैं, इस नेगेटिव को इधर लाते हैं, ये माइनस है उठा के लाए प्लस हो गया, ये इधर ले गए और ये है पहले से ही, फिर M1 U1 है इसको उठा के उधर ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इंटरचेंज करते हैं, पूरा का पूरा पार्ट यहां लिख दिए, पूरा का पूरा पार्ट यहां लिख दिए, ताकि कॉलिजन से पहले का मोमेंटम है ये और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम, यही आया कि नहीं देख लो। कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो यही है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, इंटरैक्ट करेगा, लेकिन इंट्रैक्शन से पहले का टोटल मोमेंटम और बाद का टोटल मोमेंटम दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। इक्वल, ठीक है, यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा देखो ये प्रूफ का स्क्रीनशॉट लेने का है, ले लो, है ना, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं ताकि ये इसका यूज जान लो। ठीक है, नेक्स्ट डे और होगा तो कुछ क्वेश्चंस कराएंगे।
ले लिए सर। लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, टाइम कम है इसलिए। सपोज एक गन है, गन का मास है सपोज 1.5 केजी, और एक बुलेट फायर किया गया, बुलेट आगे की ओर बढ़ा है, ये 50 ग्राम है। इसको मान लेते हैं M1, इसको मानते हैं M2। बुलेट आगे की ओर बढ़ रहा है 150 मीटर पर सेकंड से, बुलेट आगे की ओर बढ़ रहा है 150 मीटर पर सेकंड से। पूछेगा व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, यहां से हम लोग बना सकते हैं। ध्यान देना, गन का मास दिया है, बुलेट का मास दिया है, ठीक है, बुलेट किस वेलोसिटी से आगे बढ़ा है ये दिया है, हमको गन का वेलोसिटी चाहिए। अच्छा देखो, जब ट्रिगर दबाया गया तभी वहां पे फोर्स लगा, मतलब इंटरेक्शन कब हुआ, ट्रिगर दबाने के बाद। तो ट्रिगर दबाने से पहले, कॉलिजन से पहले मोमेंटम कितना है, कॉलिजन से पहले गन के लिए बोलोगे गन का मोमेंटम कितना है, 1.5 केजी मीटर पर सेकंड। नहीं, ट्रिगर दबाने से पहले या कॉलिजन से पहले वेलोसिटी कितना है गन का, सर जीरो। जीरो, तो इसलिए 1.5 × 0 करेंगे तो जीरो ही हुआ ना। यस सर। और बुलेट के लिए भी, बुलेट को एम टू बोल रहे हैं, बुलेट भी क्या है कॉलिजन से पहले रेस्ट में, मतलब ये भी क्या हुआ जीरो। 50 ग्राम मतलब ये आएगा 5000 ग्राम में ये आएगा, तो 0.05 × 0 ये पूरा जीरो हो। कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम जीरो है, तो कॉलिजन के बाद भी मोमेंटम जीरो होगा। देखो कैसे, मास इसका कितना 1.5, वेलोसिटी निकालना है। बुलेट का मास कितना 0.05, वेलोसिटी कितना 150। अब देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो है, 1.5 V1 प्लस मल्टीप्लाई, चलो ऐसे ही रहने दो। देखोगे ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, इधर लाए नेगेटिव हो, ठीक है, फिर स्पेस कम है इसलिए इनटू है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो देखो ऐसा होगा, पॉइंट हटाओ, यहां से पॉइंट हटाओ, दो जीरो कट गया, यहाँ पे 15 15 कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस है जो ऊपर ही रखेंगे, तो V1 का वैल्यू क्या आया देख लो, -5 मीटर पर सेकंड। मतलब गन 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, माइनस क्या बता रहा है, माइनस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मतलब गन जो है बुलेट जा रहा है आगे की ओर पॉजिटिवली है, तो गन का वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पीछे की ओर मूव करेगा, कितना वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से, यही है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, समझे। यस सर। चलो ठीक है, तो ये हमारे काम का ही था, सिलेबस में जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसी से रिलेटेड है ये, भले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टॉपिक में नहीं, लेकिन ये सब चीजें है आपका टॉपिक में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये न्यूमेरिकल सी है, ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, है ना, ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा, तो इसका आप जितना भी क्वेश्चंस है वो कर लोगे एक्सरसाइज का।
ठीक है ओके okay.